वो जरूर बिना बताए भाग गए। मतलब वो तो इतने एफर्ट कर रहे हैं कि 1 लाख हो जाए और यहाँ पे कहीं मैं चूल्हा बनाऊंगा। ये लेवल करना काफी इम्पोर्टेंट होता है। ये जो प्लाय है ना प्लाय, तो ये अलग अलग है। उसके बाद भैया यहाँ ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो आप सभी को नमस्कार, स्विच वाले यूट्यूब चैनल में। तो आज है 7 जुलाई और काफी खास दिन है आज का मेरे लिए, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जी का आज जन्मदिन है। तो जब मैं कॉलेज में हुआ करता था तो उस टाइम पे मैं इस दिन को मतलब सेलिब्रेट करता था। जो भी मेरे कुछ दोस्त लोग थे उनके साथ कभी केक काटना या फिर उनको पार्टी देना, ऐसे कुछ करता था मैं 7 तारीख को। तो देखते हैं, आज भी मैं सोच रहा हूँ कुछ, अगर आज लेबर भैया लोग आते हैं काम करने के लिए तो उनको भी मैं सोच रहा हूँ कुछ पार्टी दी जाए। और साथ में आप देख सकते हो पीछे जो घर का फ्रंट टेलीविजन है वो ऐसा दिख रहा है। तो इसलिए मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि खिड़की दरवाजे फॉल सीलिंग में तो सबने बहुत साथ दिया मेरा, सब बहुत सजेशन दे रहे थे कि आप ऐसा बना सकते हो, ऐसा बना सकते हो, फॉल सीलिंग ऐसी कर सकते हो, दरवाजे का डिज़ाइन ऐसे कर सकते हो, काफ़ी सजेशन आए मेरे को। अब साथ में ये जो फ्रंट एलिवेशन है इसका भी थोड़ा सजेशन चाह रहा था मैं कि किस तरीके से दिखना चाहिए, मतलब फ्रंट पे हम क्या लगाएं, कौन सा पेंट लगाएं, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और ये साथ में इसलिए भी मैटर करती हैं क्योंकि ये अभी जिस छत पे मैं बैठा हूँ, मेरे स्टूडियो की छत पे, वहाँ जो पेंट होगा यहाँ पे भी वही पेंट होगा, तो फिर पूरा का पूरा घर एक जैसा लगेगा। अभी तो जैसे आप अगर ड्रोन शॉट में अभी दिखाऊंगा भी आपको, तो उसमें अलग अलग लगता है, वो मज़ा नहीं आता फिर देखने में। लेकिन जब ये वाला घर भी सेम पेंट हो जाएगा वैसा ही, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए कोई कलर सजेस्ट करें और फ्रंट में बताएं कि कैसे कैसे, मतलब जो फ्रंट एलिवेशन है उसको अच्छा कैसे कर सकते हैं हम घर का। तो अभी बस फिलहाल थोड़ी देर में हम यहाँ पर आने वाले हैं, तो देखते हैं मम्मी ने कुछ सोचा है आज स्पेशल करने का कि नहीं। तो अभी बढ़िया करके ये जो शटरिंग है वो पूरी हो चुकी है कंप्लीट। अब सबसे मेन काम है लेवल करने का। ऊपर जो इन्होंने प्लाई लगा रखी ना पूरे छत पे, ये देखो ये वाली प्लाई, अब ये कहीं पे अप होगी कहीं पे डाउन होगी, क्योंकि अभी तो टेम्प्रेरी काम हुआ है। अब सारी प्लाएँ एक लेवल पे होनी चाहिए बिल्कुल, कोई अप नहीं कोई डाउन नहीं। तो अभी वही चेक हो रही है। तो ऊपर से देखो इंस्ट्रक्शन मिल रही है, उसके बाद भैया यहाँ ऊपर नीचे कर रहे हैं जैसा ऊपर से भैया लोग बता रहे हैं नीचे वाले भैया को। तो हल्की हल्की अभी बारिश भी शुरू हो चुकी है, ये देखो अभी फिलहाल हल्की है, तो इसलिए जो ऊपर मैं बता रहा था ना, ऊपर से भैया इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि बल्ली इधर करो, इधर खिसकाओ, उधर खिसकाओ, तो वो ऊपर से दे रहे हैं भैया इंस्ट्रक्शन। बाकी जितने भी भैया लोग हैं वो बाकी सारे नीचे हैं। और आज मम्मी ने देखो कुछ स्पेशल बना रखा है। हाँ मतलब इतना कुछ बड़ा स्पेशल भी नहीं है, पर आज मम्मी ने जो भैया लोग हैं उनके लिए चाय तो देखो रोज बनती है, साथ में आज पकौड़े बना रखे हैं। पकौड़े नहीं है तो अच्छा चिप्स, हाँ सॉरी मुझे लगा पकौड़े ही बना रहे हो आप। पकौड़े नहीं बना रहे, इतना बढ़िया मौसम हो रहा बारिश वाला। समोसे ले ना बनाने, तो मैं ब्रेड पकोड़ा बना दूं। नहीं तो नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं, अभी इतना ही बना दिया, वही बहुत है। पता है क्या, हां परसों लाई थी, परसों बारिश हो रही थी उस दिन, उसके लिए लाई थी, उस दिन वो बिना बताए भाग गए, वरना उस दिन कर, उस दिन था मेरा प्लान। और आज का ये मैंने इसलिए दे दिया, और पकौड़े मैंने इसलिए नहीं बनाए, उन्होंने अभी भी बोला हम अब भी बोल रहे हैं हम जा रहे, इसलिए नहीं बनाए मैंने पकौड़े। कोई नहीं, ऐसे भी इतना, ये आपने चिप्स बना दिया बहुत तो है, चीनी डाल देना ढंग से, क्योंकि भैया लोगों को चीनी कम बिल्कुल पसंद नहीं है, ज्यादा होनी चाहिए चीनी, दब गए। अगर 5 लोग हैं तो कम से कम 15 चम्मच चीनी होनी चाहिए। मैं तो डालता हूँ भाई, एक दिन मैंने 10 चम्मच डाली 5 लोगों के लिए, मजा नहीं आ रहा है कि हाँ फीका लग रहा है। तो जैसा सोचा था कि एंजॉयमेंट करेंगे आज, पार्टी करेंगे, तो बर्थडे पार्टी, क्यों नहीं करी, क्योंकि आज लेबर इतने थे ही नहीं, क्योंकि मेरा प्लान वही था कि जितने ज़्यादा भैया लोग रहेंगे, लेबर भैया लोग रहेंगे, तो उतना अच्छा मतलब पार्टी कर सकते हैं। अब वो कुल मिला के वो 3 लोग थे, अब 3 लोग में क्या पार्टी, चार लोग में कहाँ मजा आता है, क्यों नहीं आता, कम से कम 7-8 लोग हो तो होता है। तो अभी कुछ दिन में जब लेंटर चढ़ेगा तो उस दिन करेंगे पार्टी, उस दिन 15-16 लेबर लेंगे, है ना।
तो सब भैया लोग मिल गए तब मजा आएगा पार्टी में, वरना मम्मी ने एक छोटे से बात नहीं था, आज भी आ जाता। अब क्या करे, अब जब थे ही नहीं तो फिर वो मजा नहीं आता, वो जो ग्रैंड पार्टी में चाह रहा था सबको फील आना चाहिए। अब देखो, अगर हम चार लोगों को पार्टी दे देंगे बाद में औरों को नहीं देंगे, वो नहीं बोलेंगे अच्छा बेटे उनको दे दी हमें नहीं दी, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ सबको मिले। चलो फिलहाल मम्मी लोग जा रहे हैं, जाओ। एक बार जरा ऊपर चल के देखते हैं, जो ये ऊपर अब छत बनेगी ना सेकंड फ्लोर की छत, यहाँ से जरा एक बार देखते हैं कि व्यू कैसा आता है। लेकिन एक चीज़ है, हर जगह पे क्या होता है कि ममटी बनती है सबसे टॉप वाली छत पे जाने के लिए, लेकिन हमने नहीं बनाई। तो जैसे ये वाला जो फ्लोर है, यहाँ पे सीढ़ियाँ यहीं पर ही समाप्त हो चुकी हैं, तो अब ऊपर जाने के लिए हम वो पीछे से लोहे वाली सीढ़ी देंगे, लेकिन अभी तो वो लोहे वाली सीढ़ी बनेंगी नहीं, वो बाद में बनेंगी, तो इसलिए अभी फिलहाल इससे चढ़ना पड़ेगा ऊपर, आराम आराम चढ़ना पड़ेगा। पहुंच गया ऊपर पहुंच गया, और ये देख सकते हैं आप, ये व्यू है यहाँ से, बढ़िया मौसम भी आज, अभी तो बादल थे लेकिन अब निकल गए। बीएल दिखेगा, मैं ये देख रहा हूँ जरा, बीएल पता नहीं चल रहा यार हमारे बीएल कॉलोनी का कहाँ पर है, कोई नहीं देखते। सिद्धबली मंदिर, ना सिद्धबली मंदिर तो ये पेड़ों से छुप गया है यहाँ पे, वरना मंदिर दिख जाते हैं यहाँ से, इन पेड़ों के पीछे हो गई। पर भाई यहाँ से नीचे देखने में बड़ा मज़ा आ रहा, बहुत ही ऊँचा है ये। साथ में जो अभी भैया लोग यहाँ पे शटरिंग का लेवल कर रहे थे, ये लेवल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ढंग से लेवल नहीं हुआ तो ये जो प्लाई है ना, प्लाई तो ये अलग अलग है, तो यहाँ पे अभी वैसे टेपिंग होगी, उसके बाद यहाँ पे फिर स्टील डलेगा, फिर उसके बाद जब छत डलेगी, जब मेन लेंटल वाला दिन आता है तो जब कंक्रीट डलेगा, अगर यहाँ पर लेवल ऊपर नीचे हो गया हल्का सा भी कहीं, क्योंकि जब अभी स्टील आएगा तो उससे भी वजन आएगा, तो वो लेवल और ख़राब होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, अगर लेवल ख़राब रहेगा तो जब कंक्रीट डलेगा इसमें, तो यहाँ इन दोनों के बीच में जब गैप रहेगा, और फिर छत गलत डल जाएगी और फिर सीलन आएगी बाद में, सीपेज होगी, तो इसलिए शटरिंग को लेवल करना बहुत ज़रूरी होता है। और बाकी अब आप देख सकते हैं, ये पूरी हमारे जैसे छत थी तो उसमें हमने इतने ही पोर्शन में कमरे बनाए, ठीक है। अब ये बाकी पूरा ओपन एरिया है, तो ये तो मैं सोच रहा हूँ ओपन ही रखूँगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा वो कर देंगे, मतलब जो टेरेस गार्डन टाइप का होता ना वो यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे कहीं चूल्हा बना देंगे, और यहाँ पे जैसे ये कॉलम दिख रहा है आपको, ये कॉलम निकले हुए हैं यहाँ पे सरिये, तो इनकी तरह से सरिये खड़े कर देंगे, और फिर यहाँ पे स्लैब बना देंगे, फिर उस स्लैब में खाने भी बना सकते हैं, वहाँ पर सिंक भी बना देंगे बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि मेरे को ओपन में कपड़े धोने में मज़ा आता है, मतलब बाथरूम में मेरे को थोड़ी देर घिन सी लगती है कि बाथरूम में कपड़े धोना बैठ के पूरा, मेरे को ऐसा है कि छत में आओ, क्योंकि मैं जब नौकरी करता था बैंगलोर में और कॉलेज में भी जब मैं पीजी में था, तो वहाँ पे छत में ऐसे स्लैब बना रखी थी, तो नल भी वहीं पर था, तो मैं उसी स्लैब में कपड़े रख रख के धोता था, उसके बाद जब मैं बैंगलोर गया नौकरी करने के लिए वहाँ पर भी मुझे यही चीज़ मिली, तो मेरी आदत बन गई थी, तो इसलिए मैं कभी टॉयलेट के अंदर कपड़े धो ही नहीं पाया, पता नहीं मेरे को वहाँ थोड़ी अजीब से लगता था कपड़े धोने में और नीचे ज़मीन पर रख के। यहाँ पे भी मैं वही चीज़ करूँगा, एक स्लैब बना दूँगा, सिंक, और फिर कभी जब खाना बनाना है उसमें तो खाना बनाओ, अगर कभी बर्तन धोने हैं उस सिंक में तो बर्तन धो, और यहाँ पे कहीं मैं चूल्हा बनाऊँगा, जो वो गाँव वाला चूल्हा होता है ना, मिट्टी वाला चूल्हा, वो बनाऊँगा मैं यहाँ पे। तो जो हमारा रोज़मर्रा का गैस वाला खाना बनेगा वो तो नीचे बनेगा जहाँ मम्मी और रहेंगे, और कभी हमको मन करा कि भाई चूल्हे में खाना बनाना है तो फिर यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ बढ़िया करके चूल्हे में खाना बनेगा, तो ऐसा कुछ चलचित्र चल रहा है मेरे मन के अंदर, ऐसा करूँगा मैं फ्यूचर में। और अगर आप ये सोच रहे हो ना कि यार ये तो ओपन है पूरा का पूरा, तो यहाँ पे हम एक मतलब एक शीट लगा देंगे ऊपर, एक ट्रांसपेरेंट शीट आती है उसको लगा देंगे इसके ऊपर, तो ये कवर हो जाएगा इतना पार्ट, सिर्फ इतना का इतना, तो हम यहाँ पर आराम से इसके नीचे जो करना है आराम से, मतलब पार्टी वार्टी करनी है तो इसके नीचे कर सकते हैं आराम से। तो चलिए फिलहाल चलते हैं, अभी नीचे जाने में थोड़ा डर लग रहा है तो इसलिए फ़ोन बंद ही कर देता हूँ। आप मेरे पीछे कहाँ आ रहे हैं? आप जहाँ जाएंगे मैं वहीं जाऊँगा माँ। सब मुझे मामा क्यों बुला रहे हैं? कहते हैं कि भगवान के अंदर पूरी सृष्टि होती है, आपके अंदर तो भगवान है। जगन्नाथ के रथ का चक्र ऐसा घूम के आएगा, अपने हर फेरे में तो बस
प्रलय ही संभलाएगा। तरतराती धरती माँ के कोख से अब जन्मेगा। एक युग का अंत होगा, युग नया एक आएगा। जो अभी आपने देखा होगा सीन, मूवी के सीन्स, वो थे कल की मूवी के सीन्स। तो आज थोड़ा टाइम था मेरे पास खाली, तो मैंने सोचा चलो आज मूवी देख के आते हैं। और साथ में जितने मैंने रिव्यूज देखे थे इस मूवी के, कि फर्स्ट हाफ काफी बोरिंग है, सेकंड हाफ काफी अच्छा है, लेकिन मेरे को तो ओवरऑल मूवी ही काफी बोरिंग लगी। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं थिएटर में बेकार ही आया मूवी देखने के लिए, इससे अच्छा तो मैं ये ओटीटी प्लेटफॉर्म का वेट कर लेता, वहां देखता अपना बढ़िया यहाँ इसमें प्रोजेक्टर में। लेकिन चलो कोई नहीं, लेकिन इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, तो हो सकता है ये बिल्डअप वाला सिनेरियो हो कि इसमें बिल्डअप करियो स्टोरी, उसके बाद सेकंड में बढ़िया मतलब अच्छा दिखाएंगे। तो बस फिलहाल अभी इस व्लॉग को यहीं पे ही समाप्त करेंगे। अभी फिलहाल मैंने सब्सक्राइबर पे देखे अपने, तो 150 सब्सक्राइबर बचे हैं 1,00,000 पूरा होने में। देखते हैं 150 सब्सक्राइबर में कितना समय लगता है, पर जितना मैं देख रहा हूँ आजकल काफी सारे लोग लगे हुए हैं कि शेयर करने में कि भाई 1,00,000 हो जाए, 1,00,000 हो जाए। और एक मेरे परिवार के ही एक खास मेंबर हैं, मतलब वो तो इतने एफर्ट कर रहे हैं कि 1,00,000 हो जाए, तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये देख के। अभी जब कुछ दिन में मैं मिलूंगा, अभी 10 दिन में मैं उनसे मिलने वाला हूँ, तो तब मिलाऊंगा मैं आपको, तब तक तो हो ही जाएंगे 1,00,000, तब अच्छे से उनके साथ भी सेलिब्रेट करेंगे। तो इसीलिए फिलहाल अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया दबा देना और हमारे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाना। और अगर ब्लॉग बंडी अच्छा लगा है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, तो अपने व्हाट्सएप फ्रेंड ग्रुप में, फेसबुक में शेयर भी कर देना। तो इसी के साथ मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाबा टेक केयर, नमस्कार, जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा।